हेलो फ्रेंड्स, यूपीएसआई जेके के लिए स्पेशल एक सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे बस वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने पास एक A4 पेज रख लीजिए या फिर अपने साथ में लेके बैठिए अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं उसके ब्लैंक पेजेस, क्योंकि उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज ऐड करने जा रहा हूँ। बस छोटा सा कष्ट आप करिए, पेन पेपर लेके बैठिए। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो इसमें जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर जीके के फॉर्मेट में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो ये है आपका 180 डिग्री देशांतर। क्या? 180 डिग्री देशांतर। और इससे संबंधित कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेता है कि एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो ये लगता है आपका 4 मिनट, और 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको, ये फैक्ट जो मैंने आपको अभी बताए हैं उसको प्लीज़ कहीं पर पेन डाउन कर लेना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बहुत अधिक है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। बाकी और भी बहुत कुछ है, जैसे कि कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है, हम कहते हैं अक्षांश देशांतर, जो लाइनिंग होती है ग्लोब में खींची हुई, तो अक्षांशों की कुल संख्या एग्जाम में कई बार पूछी गई है आपके, तो आपको याद रखना है 181। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है आपका सेशेल्स। और पॉइंट नंबर 3 है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है? तो वो है आपका यूराल पर्वत। पॉइंट नंबर 4 है, ज्वालामुखी की अधिक सक्रियता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हवाई में। पॉइंट नंबर 5, संसार में रेलों की सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका USA। पॉइंट नंबर 6, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो वो है आपका बॉक्साइड। किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? तो ये होता है आपका विषुवतीय प्रदेश। पॉइंट नंबर 8, मरियाना गर्त कहाँ पर है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर में। देखिए, प्रशांत महासागर क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसकी जो आकृति है किस प्रकार की है? त्रिभुज के आकार के। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन से महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आपको याद रखना है त्रिभुज के आकार की जो शेप है वो किसकी है? वो है आपकी प्रशांत महासागर की। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, एस आकार की आकृति का कौन सा महासागर है? तो जो आपका ये अटलांटिक महासागर है, इसकी जो शेप है अगर आप मैप में देखते हैं तो ये एस शेप की तरह आपको दिखाई देगा। एस में होगा अटलांटिक और बात करेगा त्रिभुज की, तो तब होगा आपका प्रशांत महासागर। ये चीज़ आपको नोट करनी है, अगर नहीं पता है तो। बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 9, जोजीला दर्रा जोड़ता है किस किस को? श्रीनगर और लेह को। पॉइंट नंबर 10, तारपीन का तेल किससे मिलता है? तो ये मिलता है चीड़ के पेड़ से। पॉइंट नंबर 11, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका तमिलनाडु। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। अगर बात करी जाए साइलेंट वैली, तो ये है आपके केरल में। पॉइंट नंबर 13, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे? मैग्नीज से। और ग्रीन हाउस प्रभाव का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। पॉइंट नंबर 15 है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। और जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताइए? तो ये है आपके ऋषभ देव। अगला पॉइंट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। और ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। महावीर जैन ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये दिए थे प्राकृत भाषा में। पॉइंट नंबर 20 है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये दिए थे पाली भाषा में। देखिए, बुद्ध और जैन दोनों पर्सनैलिटी, दोनों ही धर्म, इनके उपदेश, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, उससे संबंधित एक ना एक आपके एग्जाम में डैम श्योर क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज
लिखिए थोड़ी सी उसकी डिटेल। देखिए एग्जाम में अधिकांश जो पूछता है वो पूछेगा आपसे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो उनका नाम है आपके पार्श्वनाथ और पहले थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इनका जन्म वगैरह क्या था, धार्मिक आंदोलन में इन्होंने कौन कौन से शब्दों को जन्म दिया था, ये सब। देखिए ऋषभ देव जो थे जैन तीर्थकर, इनका एक प्रतीक चिन्ह भी था जो था आपका सांड। और अगर हम बात करें जाए कि महावीर स्वामी के बारे में, इनका जन्म हुआ था 540 में और जन्म स्थान था इनका कुंड ग्राम वैशाली। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में और इनका परिनिर्वाण हुआ था पावापुरी में। ये चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, मुझे याद था तो मैंने इसलिए आपको बताया। और ये सब चीज़ें होती हैं आपकी अगर आपका रिवीजन काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप केवल और केवल टाइम पास कर रहे हैं, समय को बिता रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं अपने साथ। कुछ बातें कड़वी हैं लेकिन सच्चाई है। अगर आप पर डे के 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से कम 40% निकालिए अपना रिवीजन में। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते गए पिछला भूलते गए, आगे बढ़ते गए पिछला भूलते गए, ऐसा लगेगा कि आपने ढेर सारी तैयारी कर ली लेकिन सिलेक्शन अभी भी नहीं हो पाया। तो खामी कमी केवल इसी में होती है कि बच्चे रिविज़न पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब देखिए बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का जो थे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में ईसा पूर्व में, मतलब, और कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने दिया था सारनाथ में और इनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में। कब हुई थी? 483 में। इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। राइट, बड़े आगे। देखिए ये चीज़ें मुझको पता है कि उन बच्चों को अच्छे से पता होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपको नहीं पता है तो आपका जीएस थोड़ा कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है, एक लूसेंट नीली वाली बुक को ईमानदारी से पढ़ना है। जो जीके की बुक आती है नीली वाली लूसेंट, छोटी बड़ी कोई भी परचेज कर लीजिए, उसको पढ़िए। और उस बुक के कंप्लीट वीडियो हमारे इस चैनल पे बन चुके हैं, पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है, उन सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। टोटल वीडियो की संख्या है 56, वो सभी वीडियो आप देखिए और सीखिए। पॉइंट नंबर 21, बैगस्निज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी इंडिका। 22, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया 17 बार। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। पॉइंट नंबर 25, न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को याद किया जाता है? जहांगीर को। और किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये है आपका औरंगजेब। पॉइंट नंबर 27, सिखों के 10वें गुरु का नाम, जो सिख धर्म है उसके 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। और ये जो सिख धर्म है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी गुरु नानक ने। वे क्या थे? वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि गुरु नानक के गुरु का नाम क्या है, क्या था? तो इनका नाम था, ये एक सूफी संत थे और इनका नाम था बाबा फरीद। और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। पॉइंट नंबर 28, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला पॉइंट नंबर 29 है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को। साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग्स। और 32 है आपका, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का नाम, वो था नीलम संजीव रेड्डी। पॉइंट नंबर 34, ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 250। पॉइंट नंबर 36, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितना समय लगता है इसको? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, वे 45.51 सेकेंड। जी हाँ, ये यूपी पीसीएस की जो एग्जाम होता है जीएस पेपर 1 का, ठीक
ठीक है, वहां पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट फिगर आपसे पूछता है सेकंड और मिनट के साथ में, तो आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। हाँ, यूपीएसआई में ये क्वेश्चंस केवल एक से दो बार पूछा गया, तो इसलिए आपको याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आप चाहना और ना चाहना वो आपके हाथ में है। और लेकिन एक बात याद रखना कि आपको क्या पसंद है इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए कि उसे क्या पसंद है। गॉट इट? चलिए बात करते हैं 37। पूर्ण रूप से पहले भारतीय बैंक का नाम बताइए, तो वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। पॉइंट नंबर 39, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। पॉइंट नंबर 40, हरित क्रांति का शुभारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो ये है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड, ये जो क्रांति है आपके सामने, हरित क्रांति, तो ये किससे संबंधित थी? ये थी आपकी खेती से। अगर बात करेगा आपसे श्वेत क्रांति के बारे में, तो उसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति है बागवानी से। सिल्वर क्रांति है अंडा एवं पॉलिट्री उत्पादन से। भूरी क्रांति है आपका कोकोआ, एक शब्द होता है, उसके उत्पादन से। इंद्रधनुष की क्रांति है समग्र, मतलब पूरी कृषि उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति झींगा। नीली क्रांति मछली उत्पादन। और पीली क्रांति है आपका तिलन उत्पादन से संबंध रखती है ये। तो फ्रेंड, आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो आपने पेन डाउन करे होंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद रखता हूँ। और आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के ढेर सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, और रेगुलर अपडेशंस पाने के लिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद में उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस पर क्लिक जरूर करिएगा। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। और एग्ज़ाम में जाना तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बना के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और जेन्युइन कॉन्फिडेंस तभी जनरेट होगा जब आप तैयारी स्ट्रांग करेंगे, और तैयारी स्ट्रांग तब होगी जब आप कष्ट करेंगे पेन पेपर उठाने का, अपने नोट्स तैयार करने का, प्लस उन सब का रिविज़न करने का। आई थिंक मेरी बात को आप सब समझ गए होंगे। बाय बाय।